हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बीपीएल बाइकर। इसके पहले भी हमने एक वीडियो डाला था डुअल डिस्क के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें हमने बताया था कि एक और डिस्क प्लेट हम अपनी गाड़ी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड तो हमारे पास थी, राइट साइड भी हमने इसमें इंस्टॉल की थी। अब आगे का प्रोसेस हम करेंगे इस वीडियो में, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मडगार्ड खोल लेते हैं, और मडगार्ड खोलने के लिए हमें इसके एक, दो और ये तीन, और इसी तरह तीन इस तरह बोल्ट हैं, वो हम बोल्ट खोलना पड़ेंगे। तो चलिए बोल्ट खोल लेते हैं। ये मडगार्ड हमारा आ गया बाहर। अब हमें इसका शॉकर खोलना है और व्हील खोलना है। तो व्हील खोलने के लिए आपको पता ही है, मैंने पहले भी कई बार बताया, एक जो 13 mm का ये बोल्ट है इसको खोल के बाहर निकालना है, और 6 mm के ये एलिंकी बोल्ट है, इन दोनों को लूज़ करना है। तो एक्सल यहाँ से हमारा निकल जाएगा इजीली। तो व्हील हम निकाल लेते हैं, और शॉकर भी हमको चेंज करना है। तो शॉकर के लिए ये 6 mm के दो एलिंकी बोल्ट लूज़ करना है, ये वाले दो एलिंकी बोल्ट लूज़ करके, और ये ऊपर और एक 12 नंबर का इसमें बोल्ट लगा है, इसके पीछे साइड। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये दिख रहा है आपको, ये बोल्ट लूज़ करना है। तो चलिए व्हील खोल लेते हैं पहले, और व्हील खोलने से पहले हम इसका कैलिपर भी खोल लेते हैं, ताकि व्हील निकालने में आसानी हो। तो कैलिपर के लिए बस ये दो बोल्ट हमको निकालना है 12 mm के। ये कैलिपर हमारा खुल चुका है, यहाँ से एक्सल निकालेंगे, व्हील आ गया बाहर। अब शॉकर और खोल लेते हैं। तो ये यहाँ से दोनों बोल्ट लूज़ कर लेंगे, और ऊपर का मैंने बोल्ट लूज़ कर लिया, और ये विनाइल हमारा अटक रहा, तो इसको हम विनाइल निकाल लेते हैं पहले, विनाइल हम बाद में दूसरा लगा लेंगे। ये आ गया शॉकर हमारा बाहर। अभी अभी एक पार्सल और हमें रिसीव हुआ है, जो बाकी हमारे पार्ट्स बचे थे, तो उसको और अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसमें पूरा सामान आया है रह गया कुछ। ये देखिए, ये हैं वॉशर, 4 रुपये के हैं ये, ओरिजिनल पार्ट से बजाज के, सिर्फ 4 रुपये। और ये नट है उसका 25 रुपये का, ये नट भी लगेगा हमें। और ये 220 का रियर एक्सेल है, 226 रुपये इसकी MRP है, पुराना वाला एक्सेल हमें चेंज करना पड़ेगा। शॉकर हमने खोल लिया है, ये देखिए आप। अब इसमें हमें ये वाला इनर ट्यूब वाली फिट करना है, जिसमें हमारा कैलिपर माउंट हो सके। ये देखिए, इसका होल छोटा है, इसका होल बड़ा है, ओरिजिनल एक्सेल में काफ़ी फ़र्क है। ये देखिए, एक साइड से मोटा आता है, ये इसमें इस तरीके से लग जाता था, लेकिन अब ये इसमें लग नहीं पाएगा, क्योंकि इसके होल का डिफरेंस है। तो हमने इसीलिए एक्सेल मंगाया था 220 का, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये वहाँ से यहाँ तक इसको छोटा करवाना पड़ेगा, पहले इतना लंबा काफ़ी है ये, और इसके नीचे हम थ्रेडें बनवा देंगे यही वाली, तो ये इजीली फिट हो जाएगा, और इसके ये होल में भी चला जाएगा, क्योंकि पूरा एक जैसा साइज है इसका। चलिए इसको फिर इसमें फिट करवाने ले चलते हैं, क्योंकि इसके स्पेशल टूल नहीं है हमारे पास इसको खोलने के लिए। अब हम जल्दी से चलते हैं शोरूम पे, शोरूम पे इसको चेंज करवा लेंगे, और चेंज करवा के वापस घर ले आएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं हम शोरूम। यहाँ पे थोड़ा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो, ताकि टाइम बचे आपका भी हमारा भी। शॉकर की फिटिंग और देख लेते हैं। ये देखिए, शॉकर को खोला जा रहा है। इसमें ऑयल सील वगैरह चेंज नहीं होगी, वही की वही लग जाएगी, क्योंकि खोलने से ऑयल सील कभी भी डैमेज नहीं होती। एक वीडियो में मैंने देखा था, शॉकर चेंज करते टाइम उनने ऑयल सील भी चेंज करी थी फालतू में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका ऑयल ड्रेन हो रहा है, बस जैसे ही इसका ऑयल ड्रेन हो जाएगा, ये देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा पंप होता है इनर ट्यूब के अंदर, वो पंप खोलना ज़रूरी है, फिर तो उसके बाद ये वाली रोड हमारी लग जाएगी। तो चलिए इसका पंप और चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें से पंप निकाला पुरानी वाली रोड में से, ये नई वाली रोड में स्प्रिंग, और ये पंप। अब इसमें ऑयल डाल के इसको फटाफट पैक करवा देते हैं। ये इसमें ऑयल है, 400 ml ऑयल इसमें डलेगा।
अब हम एक काम करते हैं, शोरूम का काम तो कंप्लीट हो गया, इसकी रैपिंग और निकाल लेते हैं। ये मैंने इसलिए रैप कर दिया था ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। और इसके अंदर जो विनाइल के जो गम लगा हुआ है, इसको और क्लीन करना पड़ेगा, तो इसको भी WD-40 से हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद इसको फिट कर लेंगे अपने बाइक में। बस इसमें कुछ नहीं, स्प्रे करके रब करना है कपड़े से, इजीली निकल जाता है। ये देखिए साफ़ हो रहा है ये। चलो फटाफट क्लीन करके फिट करते हैं। फिट करना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ से इसको इंसर्ट करना है इसमें। ये देखिए आराम से बिल्कुल इसको इंसर्ट करके अंदर, ऊपर एक माइनर सी लाइन होती है, लाइन के लेवल लेके इसको टाइट कर लेंगे। शॉकर ना ज़्यादा ऊपर रखना है हमें, ना ज़्यादा नीचे रखना है। उसके लिए एक तरीका और है, मैं बता दूंगा अभी आपको। ये देखिए इसके नीचे जो है ना, एक्सल इजीली जाना चाहिए ये से। पहले इसको सीधा कर ले। हाँ ये देखिए बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए। अगर ये ऊपर या नीचे होता तो एक्सल इतने आराम से नहीं जाता। ये आराम से फिट हो गया, मतलब इसमें साइज बिल्कुल सही फिट हुआ है, ना ऊपर है ना नीचे। अब इसको यहाँ से कटवाना है और थ्रेड बनवाना है बस हमें। तो चलिए इसे भी लेथ पे ले चलते हैं। ये देखिए काम हो रहा है इसमें, इसको थोड़ा सा छोटा करना है हमें, और इसमें थ्रेड बनना है। ये थ्रेड बन चुकी है, देखिए आप इतनी थ्रेड हमने इसमें नीचे उतारी है। और ये एक स्पेसर भी हमने बनवाया है, और ये किस लिए बनवाया है मैं अभी आपको बता दूंगा। ये देखिए ये है ओरिजिनल एक्सेल, एक साइड से मोटा एक साइड से पतला होता है ये, और इसकी लेंथ भी छोटी है। यह है 220 का एक्सेल, देखिए इससे काफ़ी बड़ा है, और भी बड़ा था, बाकी तो हमने कटवा ही दिया इसको 1.5 इंच के आसपास। इसकी टोटल जो लेंथ है मैं आपको लेंथ और बता देता हूँ, ताकि आपको बनवाना हो तो ईजी आए। ये नट है इसका, टेप से इसको नाप लेते हैं। ये देखिए 10.5 इंच की लेंथ है इसकी। आप 10.5 भी करवा सकते हैं, 10.5 में भी लग जाएगा, ये थोड़ा बड़ा ही है। और 1.25 इंच के आसपास इसकी थ्रेड है। ये जो है ओरिजिनल स्पेसर है, ये व्हील में हमारे लगा रहता है। एक साइड तो ये एक्सेल कवर कर लेता था, लेकिन अब ये एक्सेल हमने चेंज कर दिया तो बीच में आ जाएगा गेप, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा कड़वा कर लाएं। यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये है 11 mm का साइज़ है इसका। 11 mm का गैप आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब फिटिंग के टाइम मैं आपको बता दूँगा कहाँ लगेगा ये। ऐसे दो स्पेसर तो लगे ही रहते हैं, उसके अलावा ये तीसरा हमें लगाना है राइट साइड, क्योंकि एक्सेल चेंज करा है हमने, इस वजह से पुराने एक्सेल में दिक्कत नहीं आती वो। चलिए व्हील को फिट कर लेते हैं इसमें। एक तो इसमें मेन स्टैंड नहीं होता, तो जेक पे लगा के रखी है हमने गाड़ी। ये देखिए ये एक्सेल हम इस साइड से भी लगा सकते हैं, उस साइड से भी लगा सकते हैं। सेंटर में लगे एक्सेल लगाएंगे हम, और यहाँ पे देखिए गैप आ रहा है, एक उंगली के बराबर 11 mm का गैप है, तो गैप को फिल करने के लिए स्पेसर हमें लगाना पड़ेगा इधर। बस इसको यहाँ सेंटर में ला के और एक्सेल को वहाँ से धका देंगे। ये देखिए ये हो गई इसकी प्रॉपर फिटिंग। अब यहाँ से वॉशर और नट लगा देते हैं। अब हमारी शॉकर की बॉटल भी फिट हो चुकी है, इनर ट्यूब, व्हील भी हमारा फिट हो चुका है। अब हमें कैलिपर और लगाना है इसमें, उसके बाद इसकी पाइपलाइन लगा के इसकी पंपिंग कर देंगे, तो दोनों डिस्क ब्रेक हमारे चालू हो जाएंगे। देखिए व्हील में बिल्कुल अलाइनमेंट है, ना राइट है ना लेफ्ट है, बिल्कुल सेंटर में जैसी फिटिंग आती है वैसे ही है। इसका अलाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक है, व्हील एकदम सेंटर में, और देखिए एकदम फ्री चल रहा है, कहीं कोई टकरा नहीं रहा, कहीं जाम नहीं हो रहा। देखिए आप बिल्कुल ठीक अलाइनमेंट हुआ, इसकी फिटिंग एकदम प्रॉपर हुई है, हमने किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हर चीज़ इसमें ओरिजिनली लगाई है।
ये देखिए कैलिपर और लगाना है इसमें। ये देखिए ये वो कस्टमाइज डिस्टेंस है जो हमने लगाया इसमें 11 mm का। अब इसका कैलिपर फिट नहीं हो रहा है क्योंकि प्लेट हो गई है थोड़ी सी अंदर। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक स्पेसर और बनेगा डिस्क प्लेट के पीछे लगा देंगे तो प्लेट हमारी आ जाएगी बाहर, उसके बाद ही कैलिपर आराम से लग जाएगा। अभी तो इसको लगाना मुश्किल है क्योंकि इसमें बोल्ट ही नहीं जाएंगे। देखिए कितना आउट है ये इस वजह से हुआ क्योंकि शॉक अब हमारा फ्लिप हो चुका है, कैलिपर भी फ्लिप हो चुका है तो साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको हम करवा लेंगे। ये देखिए गैप में फ़र्क है, इधर कम गैप है, इस तरफ ज़्यादा गैप है। तो अभी की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, वेट कीजिए आप थर्ड पार्ट का, उसमें हम आपको सारी डिटेल दे देंगे और इसको फाइनल कर देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय।